गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारी ट्रिप जो है वो है शिराई तो पकौड़ा। और आपने आज ये कार बुक की है, देखो कितनी एडवांस कार है, ऑटोमेटिक लाइट जलती है, मिरर भी बाहर आते हैं। तो आज के लिए हमारी पूरे दिन के लिए एक कार है, तो माजडा की कार है, फुल्ली एडवांस है, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा इस कार के साथ। ये देखिए कितनी बड़ी कार है और इसमें आपका डिस्टेंस भी बहुत है और हेड के साइड वाला स्पेस भी बहुत काफ़ी है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है ये हुड अप डिस्प्ले है, मतलब नीचे प्रोजेक्टर जैसे कांच पे, यहाँ पे वो सब ऑडोमीटर स्पीड वगैरह सब प्रोजेक्ट करेगा, वो बस ड्राइवर को ही दिखता है। और ये है आज का वेदर, तो आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और अभी हम पूरा आ चुके हैं माउंटेन साइड में जो है यामानाशी प्रिफेक्चर, तो अभी हम रुके हैं थोड़ा फैमिली मार्ट पे हॉल्ट लेने के लिए। तो आज हमारे साथ है मयूर सान, उनकी वाइफ, और हमारी वाइफ तो चॉकलेट खाने में बिजी है। दोस्तों आपको जो ये लोग दिख रहे हैं, ये रास्ता वहाँ पे हमें जाना है। अभी हमने अभी गाड़ी पार्क करके यहाँ से हमें जाना है। तो ये देखिए पहाड़ी कितनी मस्त है, और ये बहुत ही छोटा सा ट्रेन स्टेशन है। तो देखिए घर कैसे जापनी स्टाइल में, और आप पहाड़ देख सकते हो कितने बढ़िया है, कितना मस्त वेदर है आज। अभी हम पहुँचे हैं एंट्रेंस पे, ये है तोरी गेट, आप देख सकते हो कितना कलरफुल बन चुका है। और अभी ऑटम चालू है तो सब पेड़ों के कलर चेंज हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे आज वीकेंड है तो थोड़ी गर्दी है, तो काफ़ी लोग जम चुके हैं यहाँ पे। अभी हम इस स्टेप से ऊपर जाएंगे, तो चलो चलते हैं शिरो तो पकौड़ा। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे छोटा सा जापनी स्टाइल का उनका टेम्पल दिखा, तो ये ऐसे स्टेप्स है ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ से आई थिंक नियर अबाउट 700-800 मीटर रहेगा, ये स्टेप चढ़ के जाना है आपको। तो यहाँ पे अभी थोड़ी ठंड है, तो गर्मी तो हो ही नहीं रही है ज़्यादा कुछ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये है माउंट फूजी के पास में, तो पूरा माउंटेन एरिया है। तो देखिए कितना अच्छे स्टेयर केसेस है जाने के लिए ऊपर, और मौसम तो बहुत ही अच्छा बन चुका है, नाइस। दोस्तों ये देखिए उन्होंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है, वेलकम टू फूजी योशिदा सिटी, और माउंट फूजी वगैरह सब कुछ दिखाया उन्होंने यहाँ पे। तो ये देखिए व्यू कैसा है, ये पूरा माउंट फूजी है। तो ये देखिए माउंट फूजी का टॉप। अभी हम आ गए हैं शिराइतो पकौड़ा, ये देखिए माउंटेन टॉप से व्यू, सिटी देख सकते हैं आप नीचे, पूरा विलेज है यहाँ पे। तो देखिए छोटे छोटे घर कैसे यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए पूरा जूम व्यू, और सामने ही आपको अभी माउंट फूजी दिखेगा, ये है माउंट फूजी, ये देखिए मस्त माउंट फूजी का टॉप। तो ये देखिए माउंट फूजी का टॉप जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, तो बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे। और अभी हम बाय वॉक करके यहाँ से ऊपर जाएंगे शिराइतो पकौड़ा, तो देखिए कितना अच्छा व्यू है, वेरी नाइस। ये देखो नीचे उनके रोड है बाय वॉक के लिए, तो बहुत ही बढ़िया। दोस्तों ये देखिए फाइनल व्यू ऑफ शिराइतो पकौड़ा, तो ये है आइकॉनिक व्यू ऑफ शिराइतो पकौड़ा। ये देखिए ये शिराइतो पकौड़ा है, और उसके स्ट्रेट सामने माउंट फूजी है, देखिए कितना अच्छा व्यू मिल रहा है यहाँ पे। तो ये है माउंट फूजी टॉप, और ये सीधा शिराइतो पकौड़ा, आप देख सकते हो कितना बेहतरीन नज़ारा है, बहुत ही अच्छा, वेरी नाइस। ये है माउंट फूजी के सामने वाला शिराइतो पकौड़ा पॉइंट, तो देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे। और आज छुट्टी होने के कारण यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, तो आप देख सकते हो कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे, बहुत सारे लोग जमा हो चुके हैं। और ये है व्यूइंग पॉइंट, इसलिए बहुत सारी भीड़ रहेगी यहाँ पे, तो थोड़ी धूप निकली है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो
तो ये है माउंट फूजी, और माउंट फूजी के टॉप आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये है माउंट फूजी और सीधा शिरोतो पगोड़ा, ये देखिए नाइस, मजा ही आ गया देख के। ये है शिरोतो पगोड़ा का मेन अट्रैक्शन पॉइंट आप देख सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ से जो व्यू मिलता है माउंट फूजी का बेहतरीन लाजवाब। तो आप भी अगर यामानाशी प्रिफेक्चर में आ रहे हो नियर बाय माउंट फूजी तो यहाँ पे ज़रूर आना। तो ये देखिए ऑटम चालू हो गया तो कलर कितना अच्छे खुल रहे हैं, और यही सामने ही माउंट फूजी है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, काफ़ी बेहतरीन था ये प्लेस, बहुत ही बढ़िया नाइस। गास्तो रेस्टोरेंट, ये यहाँ पे पिज़्ज़ा अच्छा मिलता है। अगर आप भी अगर वेजिटेरियन है तो पिज़्ज़ा खाने के लिए कैफ़े रेस्टोरेंट गास्तो बोल के है, वहाँ पे आ सकते हो। तो ये जापनीज़ रेस्टोरेंट है, तो अभी हम जा रहे हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए वेज। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट रहता है ये गास्तो, तो कैफ़े भी है और डिनर लंच दोनों भी रहता है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि जापनीज स्टाइल का रेस्टोरेंट कैसे होता है। तो ये है गास्तो, अभी मैं अंदर जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कैसा है अंदर व्यू। तो अभी यहाँ पे आपको फ्री वाईफाई भी मिलेगा, शायद वेटिंग लिस्ट है थोड़ी तो वो लोग पूछ रहे हैं, लेकिन देखिए एंट्रेंस पे ही उन्होंने क्या क्या रखा है, तो ये लोग वेट कर रहे शायद। तो यहाँ पे अंदर ज़्यादा भीड़ है आज, वीकेंड है। तो ये है गास्तो रेस्टोरेंट, पूरा व्यू आपको दिखाता हूँ मैं। ये ड्रिंक बार है, अनलिमिटेड आप ड्रिंक कर सकते हो, सूप है, कॉफ़ी है, टी है, जूस जो। तो ये आपका खाना भी रोबोट लेके आएगा और आपका ऑर्डर भी रोबोट ही लेगा, तो बहुत अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट रहता है। तो आज वीकेंड है तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि कैसा है रेस्टोरेंट। तो वो काफ़ी मज़ेदार रहेगा खाना भी और टेस्टी भी रहेगा। तो चलो आ जाओ खाना खाने के लिए। पिज़्ज़ा यही देखिए स्पेशल पिज़्ज़ा दोस्तों, अभी हम ऑर्डर करने वाले हैं। ये देखिए ग्रैंड मेन्यू में जाके आप स्पैगेटी और पिज़्ज़ा पे क्लिक करके वेज पिज़्ज़ा मिलता है, मायोनीज और कॉर्न पिज़्ज़ा, तो आप ऑर्डर कर सकते हो। तो जितना चाहिए उतना ऐड करो, और जैसे कि अभी सिलेक्शन करके एडिशनल चीज़ चाहिए तो वो भी डाल सकते हो, और जो एडवांस रहते हैं वो भी आप टॉपिंग्स वगैरह ऐड करके जैसे ऐड टू कार्ड करके आप ऑर्डर कर सकते हो। अभी हमने ऑर्डर किया है हमारे मायोनीज एंड कॉर्न पिज़्ज़ा दो, तो अभी थोड़ी देर के बाद रोबोट हमारे टेबल पर लेके आएगा। तो यहाँ से किचन है, वो रोबोट हमारा ऑर्डर लेके आएगा। तो वहाँ पे वो ड्रिंक बार है, आपको जो ड्रिंक चाहिए वो ले सकते हो। तो ये देखिए गास्तो रेस्टोरेंट। तो अभी ये बहुत ही गहन डिस्कशन चल रहा है मेनू पे, क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या खा नहीं सकते, क्या क्या प्लान करना है दोस्तों। अभी देखिए ये है किचन, ये रोबोट वापस आ गया, अभी वो किचन वाले उसके अंदर सामान रखेंगे और टेबल नंबर प्रेस कर देंगे। तो ये दूसरा भी आ गया, तो उसके अंदर वो मटेरियल रखेंगे, तो ये वापस लेके जाएगा उनके पास। तो देखे कैसे आके घूम के खड़े रहते हैं, अभी वो लेडीज़ उसके अंदर मटेरियल रखेगी
और वो लेके वापस चला जाएगा। अभी उन्होंने उसमें खाना रखा है, अभी वो नंबर प्रेस कर देंगे तो वापस चला जाएगा। तो अभी वो जैसे चालू हो गया तो जो टेबल नंबर डाला है उस पर वो लेके जाएगा, जिससे मिकी माउस जैसे दिखता है। अभी देखिए इस पर भी वो रखेंगे और ये आगे गया अभी नेक्स्ट लाइन पे। तो ये देखिए अभी उन्होंने रखा खाना, जो टेबल नंबर रहेगा उस पर जाके वो दे देगा। तो देखिए अभी उन्होंने नंबर डाला है 51B, तो ये लेके अभी चला जाएगा बाहर। देखिए अभी वो बाहर आ रहा है, तो अभी ये खाना लेके जाएगा उस टेबल पे। तो इसको सेंसर रहते हैं, जैसे अगर कोई आदमी पास में जाता है तो वो रुक जाता है, किसी को टकराता नहीं वो। तो ये देखिए अभी वो टेबल नंबर पे जाएगा और उनको उनकी ऑर्डर वापस दे देगा। तो ये देखिए अभी वो सीधा जाएगा और वो टेबल नंबर पे गया और वहाँ पे वो ऑर्डर दे देगा। तो देखिए कितना एडवांस है जापान में रेस्टोरेंट भी। तो अभी हमारा रोबोट आया है पिज्ज़ा लेके, ये देखिए अभी मैडम जी लेंगे उसको। तो रख के टेबल पे रख दो। तो अभी हमारी ये पिज्ज़ा आ चुके हैं और देखिए ये जो रोबोट आया है अभी हमारा ऑर्डर लेके आया है। तो अभी हमने उसका ऑर्डर उठा लिया है, तो ये उसका जो रखा रहता है वो ले लो। तो अभी वो रिटर्न घर चला जाएगा। ये देखिए अभी वो किचन में जा रहा है वापस, हमने ऑर्डर उठा लिया तो वो वापस चला गया, अभी वो किचन में चला जाएगा। तो ये देखिए हमारा आज का खाना पिज्ज़ा विद कोल्ड ड्रिंक्स। यहाँ पे पेमेंट आप खुद भी कर सकते हो, यहाँ पे आओ बार कोड से पेमेंट कर सकते हो, और नहीं तो अगर आपके पास कैश है तो यहाँ पे इस मशीन में डालो, यहाँ पे आपका बिल नंबर डाल के आप खुद से पे कर सकते हो। यहाँ पे रिसेप्शन पे कोई नहीं है पैसा लेने के लिए, आपको खुद से पे करना होता है। जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह रहेगा तो ये मशीन है, और अगर कैश है तो कैश भी मशीन में डाल के वो चेंज वापस कर देता है। तो पेमेंट भी आप पूरा खुद से ही करना है। तो ये पूरा रेस्टोरेंट रोबोट बेस प्लस इंडिविजुअल है। तो ये आप देख सकते हो रोबोट आया है अभी, तो उन्होंने ऑर्डर ले लिया, तो अभी ये वापस चला जाएगा। तो किचन में जाता है, किचन से वो प्लेट लेके आता है, और जैसे आप नंबर देख रहे हो अभी ये 26, तो ये 26 नंबर पे आके दे देगा। तो ये देखिए अभी उन्होंने रिटर्न टू होम बटन दबाया, तो अभी वापस जा रहे हो, तो आगे किचन है तो वो चला गया वापस। दोस्तों ये देखिए जो अंगूर हम 30-40 रुपए किलो में बेचते हैं, यहाँ पे देखो 4,200, 2,000, 1,500, 1,600, ऐसे शायद ये 500 ग्राम भी नहीं रहेगा, कितना कॉस्टली देखो। तो ये शॉप में वो बेच रहे हैं, और यहाँ पे बाजू में उन्होंने सब स्टॉल लगा है खाने पीने के, यहाँ पे नॉनवेज है। तो ये उन्होंने अच्छे से गाढ़ा लगाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक शॉप है। तो ये देखिए कितना अच्छे से उन्होंने सब व्हीकल्स है, तो उन्होंने कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है देखो। और ये सब नॉन वेज का है, वेजिटेरियन हमने देखा कुछ भी नहीं यहाँ पे। तो आइसक्रीम्स वगैरह है, अभी ठंडी का मौसम चालू होने वाला है फिर भी आइसक्रीम खाते हैं लोग, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, टॉफी का ड्रिंक्स है, और बहुत सारे उन्होंने वैरायटीज के यहाँ पे जैसे शॉप्स लगाए हैं। तो ये देखिए ये जूस का दुकान है, तो एप्पल जूस, संतरा जूस, मौसम्बी, फ्रेंच फ्राइज, और ये स्वीट पोटैटो है उसका देखो स्टिक करके कैसे बेच रहे हो। ये देखिए कितना अच्छे से उन्होंने बनाया है, सब चिकन है, नॉनवेज है सब कुछ। ये नीचे वाला फिश है, और ये ताज़ा ताज़ा गर्म करके दे रहे स्टीम करके। तो ये देखिए उनका ट्रेडिशनल मीट, और ये देख रहे आप ये है नूडल उनका। तो देखिए नूडल कैसे बना रहे हैं वो, खट 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 खट, ये देखिए कितने अच्छे से वो बना रहे हैं। तो अभी हम वेजिटेरियन तो खा नहीं पाएंगे, तो ये वाला अलग ही रहता है। देखो फिश है उसको अंदर जला दिया है और साइड में रखा है, और वो जैसे हम बोलते हैं कि तंदूरी फिश, तो ये वाला देखिए कैसे वो बना रहे हैं, और उसमें सॉस डाल के वो देते हैं। वन पीस आपको चाहिए तो वो भी आप खा सकते हो। तो ये पूरा मार्केट है मोमोजी मैपल गार्डन के पास, ये जो गार्डन है ये है अपने माउंट फुजी के पास में कावाकुचिको लेक। तो आप अगर यहाँ पे आना चाहते हो तो मोमोजी
मैपल गार्डन डाल दो तो आपको ये मिल जाएगा। और ये रोड है, ये देखिए यहाँ पे मैपल ट्री कितना अच्छा है, और ये पूरा रंगी बिरंगी हो चुका है, और ये थोड़ा यहाँ पे पार्टी चल रहा है। तो चलो दोस्त, ये था मोमोजी मैपल गार्डन का ट्रिप, तो एंड करते हैं आज का ट्रिप यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।